नमस्कार, आज फिर से हम लेके आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। मुंबई हमले पर बढ़ सकती है पाक की मुश्किलें। अमेरिका और भारत ने दिखाए कल्क तेवर। ब्रेक्सिट डील पर ब्रिटिश संसद में 11 दिसंबर को होगी वोटिंग। दुनिया में पहली बार चीन में जींस बदलकर बच्चों के जन्म का दावा किया गया। पाकिस्तान फिर से थोपा गया युद्ध नहीं लड़ेगा, इमरान खान ने कहा। मुंबई हमला पर ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ आतंकवाद को कभी जीतने नहीं देंगे। नासा ने रचा इतिहास, मंगल की सतह पर उतरा रोबोटिक इनसाइड लैंडर। जैकमा के बारे में बड़ा खुलासा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं अलीबाबा के चेयरपर्सन। रूस के साथ बड़ा तनाव, सीमावर्ती इस्तीफों में यूक्रेन ने लगाया मार्शल लॉ। चीन में पैदा हुआ दुनिया का पहला डिजाइनर बेबी, डीएनए में छेड़छाड़ कर पैदा हुई दो जुड़वा बच्चियां। अमेरिका ने बच्चों पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया, ट्रंप ने कहा। रूस यूक्रेन के बीच नए सिरे से संघर्ष को लेकर खुश नहीं है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। जिस ब्रिटिश पाउंड के आगे बोना है डॉलर, उस पर छप सकती है बोस की तस्वीर। मालदीव ने छोड़ा चीन का साथ, राष्ट्रपति सोहेल पहली ही विदेश यात्रा में आएंगे भारत। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर भारत गंभीर और जताई चिंता। भारत में गरीब बच्चों की आंखों का इलाज करेगी ऑस्ट्रेलिया की व्यापार इकाई। न्यूजीलैंड तट पर 145 पायलट वेल की मौत। पाकिस्तान में विश्वविद्यालय के कुलपति ने पाक सेना की खोली पोल, हटाने की उठी मांग। आतंकवादियों के हमले पर इस्लामिक धर्म उपदेशक और उसके 17 समर्थकों की मौत। सीएनएन से मुकाबला करने के लिए सरकारी चैनल खोलना चाहते हैं ट्रंप। जनसंख्या के मामले में दुनिया छठवां सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान, अब लगेगी लगाम। तो ये थी देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके साथ साथ आप हमारी सारी न्यूज और शोज प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे जाकर टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।